लिक्विड फ्यूल रॉकेट का यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है सभी तरह के स्पेस मिशन में, फिर चाहे वो कोई भी एजेंसी हो, तो लिक्विड फ्यूल रॉकेट का ही यूज सबसे ज़्यादा क्यों किया जाता है। हेलो फ्रेंड, दिस इज स्पेस एरा और आज हम जानेंगे कि लिक्विड फ्यूल रॉकेट का ही यूज क्यों किया जाता है। लिक्विड फ्यूल रॉकेट को यूज करने की जो सबसे बड़ी वजह है वो यह है कि लिक्विड फ्यूल रॉकेट में यूज होने वाला फ्यूल जो कि लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन है। अब गैस को लिक्विड फॉर्म में कैसे लाया जाता है, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिक्विड ऑक्सीजन को यूज करने का तो सिंपल सा लॉजिक है कि फ्यूल को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और स्पेस में ऑक्सीजन नहीं होती, इसलिए ऑक्सीजन को हमें रॉकेट के साथ ही खुद ले जाना पड़ता है। ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में लाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि हम कम जगहों में ज़्यादा ऑक्सीजन को स्टोर कर सकते हैं। तो इसके साथ हम सिर्फ हाइड्रोजन को ही यूज क्यों करते हैं, कोई और गैस को क्यों नहीं? इसका बहुत सारी वजह है, जिसमें से एक वजह यह भी है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जलने पे वेस्ट में सिर्फ और सिर्फ पानी निकालता है जो कि इन्वायरमेंट के लिए किसी भी तरह से हार्मफुल नहीं होता। हाइड्रोजन को यूज करने की दूसरी वजह है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होता है, जिसकी वजह से यह अन्य गैसों से हल्की होती है, जिससे रॉकेट का वेट भी कम होता है। और तीसरी वजह है, हाइड्रोजन एक विस्फोटक गैस है, जब यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलती है तो किसी और अन्य गैस जैसे हीलियम से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिससे रॉकेट ज़्यादा थ्रस्ट या उछाल पैदा कर सकता है। इन सभी कारणों की वजह से लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन ही सबसे अच्छा विकल्प है लिक्विड रॉकेट के ईंधन के रूप में।